आज दून यूनिवर्सिटी में पूरा उत्तराखंड, अपितु उत्तराखंड नहीं पूरा देश पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म दिवस मना रहा है। 92 जन्म में वो प्रवेश उन्होंने किया है और इसी कड़ी में उनके सुपुत्र और हम सभी के मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई के रूप में, एक पत्रकार जगत में स्तंभकार के रूप में राजीव बहुगुणा जी का नाम सभी लोग जानते हैं, तो रूबरू होते हैं और जानना चाहेंगे कि क्योंकि उनका एक लंबा अनुभव रहा है अपने पिताजी के साथ पर्यावरण, जल, जंगल, ज़मीन को बचाने के लिए, और आज क्योंकि उनके तो पिताजी हैं और पूरे देश के लिए गर्व हैं, क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, समाज को, जल, जंगल, पलायन और तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करते हैं सीधे बहुगुणा जी से। जी, सबसे पहले हमें अपनी जीवन पद्धति बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमने अपनी जीवन पद्धति इस तरह की बना ली है कि जो प्रकृति का अधिकाधिक शोषण करती थी। अभी भी जो हमारे जनजातीय समाज हैं, यहाँ तक कि जो हमारे ग्रामीण समाज हैं, वो प्रकृति से उनका रिश्ता इस तरह का है कि जैसे माँ और बेटे का होता है। वो प्रकृति पर आश्रित हैं लेकिन उसको पूरी तरह से निचोड़ते नहीं हैं। लेकिन जो हमारी शहर की सभ्यता है, इसने प्रकृति पर आक्रमण किया है और ये प्रकृति को कसाई की तरह पूरी तरह से समाप्त कर देती है। और हमें ये भी समझना होगा कि अगर प्रकृति अर्थात मिट्टी, पानी, हवा, ये सब कुछ न रहे तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। आखिर मनुष्य को रोबोट नहीं है, कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, उसको हवा चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए। ये सब कुछ अगर ख़त्म हो गया तो मनुष्य भी नहीं रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे कई महानगरों की स्थिति, इस समय दिल्ली में जो भयंकर कोहरा छाया और उससे लोग तरह तरह की व्याधियों से, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, तो अगर यही नौबत रही तो पूरे देश में सर्वाइवल के जीवन का संकट पैदा हो जाएगा। जैसे कि अभी जो आज का समाज है, कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड की नहीं पूरे देश की दशा और दिशा पर पूरा प्रश्न चिन्ह लगते हुए जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर आज एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हमने श्री बहुगुणा जी के जन्मदिवस पर बनाया कि वो 90 साल में भी, सभी लोगों की कामना है कि वो 100 साल, 200 साल जिए और हम सभी का मार्गदर्शन करें, लेकिन हाल ही में दो खबरों ने सबके दिल को दहलाया है। एक हल्द्वानी की कल की खबर थी कि एक 70 साल के बुजुर्ग को उसी के परिवार के लोग, उन्हीं का पुत्र जमीन पर दफना देता है। अभी हमने राजकोट की एक खबर पढ़ी थी कि एक 75-70 साल की बूढ़ी माँ जिसको 13 दिन में पैरालाइज हुआ और बच्चे उनसे इतने पीड़ित हो गए कि उन्होंने चौथा स्तंभ से, चौथे मंजिले से उनको नीचे गिरा दिया। तो कहीं ना कहीं माँ बाप के प्रति जो बच्चों का आज रुझान है वो परिवर्तित होते हुए देख रहा है। इस पे आपका क्या? ये सब कुछ मानवीय संवेदनाओं के क्षयित होने का परिणाम है जी। कि मनुष्य के जो अंतर संबंध थे वो समाप्त हो रहे हैं और जैसे जैसे हम यांत्रिक हो रहे हैं, जैसे जैसे हम सो कॉल्ड सभ्य हो रहे हैं, तो असल में हम बर्बर हो रहे हैं, हम असभ्य हो रहे हैं। और मनुष्य के और मनुष्य के बीच के रिश्तों की जो गर्माहट थी, माँ बाप के प्रति उनके बच्चों की, तो सारे रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। और जैसे जैसे हम भौतिकवादी हो रहे हैं, तुम्हारा सारा ध्यान केंद्रित हो रहा है भौतिक सुविधाओं पर कि हमारे पास भौतिक सुविधाएं ज़्यादा होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, अच्छी, अच्छा मॉडल कार का होना चाहिए, मोबाइल का नया से नया हमारे पास एडवांस मॉडल होना चाहिए, इन पर हमारा ज़्यादा ध्यान है। लेकिन ये चीज़ें भी अंततः हमें विनाश की ओर ले जाएंगी, ले जा रही हैं। और इसका उत्तर भी प्रकृति के पास है कि जितना हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे उतना ही मनुष्य के रिश्तों में भी गर्माहट बरकरार रहेगी। बहुगुणा जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो पद्म विभूषण के रूप में और पूरे उत्तराखंड की एक शान के रूप में विश्व में ख्याति प्राप्त हैं, उनके सुपुत्र से हम बात कर रहे थे और उनके द्वारा विभिन्न मुद्दों पर आज चर्चा की गई सजग इंडिया के साथ। सजग इंडिया परिवार पुनः श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को जो पद्म विभूषण है और एक भारत के रत्न के रूप में हम सभी को मार्गदर्शित करते हैं, उनको पूरे प्रदेश की ओर से, मीडिया जगत की ओर से उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।